सभी दोस्तों से मैं माफी चाहता हूँ। मतलब संडे का दिन 9 बजे मेरा वीडियो पब्लिश होने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि मेरा तबीयत थोड़ा 4-5 दिन से थोड़ा सही नहीं है, और जैसे कि मेरे बोलने से 3-4 दिन से मैं सफर हूँ इसमें, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बोला था कि सुबह उठ के संडे का दिन मैं वीडियो बना के उस टाइम पे एडिट वेडिट थोड़ा बहुत करके उसको पब्लिश करता हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिल रहा मुझे। और मतलब जैसे कि मैंने बैठने को मन नहीं करता है, कहीं ना कुछ ऐसा लगता है सर पे दर्द वर्द बहुत सारे इशू है, तो मुझे ऐसा ठीक नहीं लगा कि थोड़ा मतलब 10-15 मिनट के लिए बैठ के एक वीडियो बना के उसको एडिट वेडिट करके डाल पाऊँ, तो इसलिए मैंने संडे का दिन जो वीडियो था मैंने नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं सबको हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। और ये जो वीडियो है आज मैंने एक खास टॉपिक पे बना रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, इसी संतोष, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूट्यूब के कैसे तरीका, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यूट्यूब कर रहे हैं या तो फिर यूट्यूब क्रिएटर है, उन लोग को आज एक ऐसा तरीका मैं बताऊंगा कि आपको देख के हैरान रह जाएंगे कि एक्चुअल आपको पता चल जाए कि आपका आप किसी लिए आपका व्यूज नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि देखिए आपका जो वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है तो आप किस लिए व्यूज नहीं आ रहा है, आप किस तरह करेंगे, आप क्या कर पाएंगे जिसकी वजह से आपका व्यूज काफ़ी बढ़ जाए। तो मैंने वही ट्रिक अभी कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे जो मेरा जो व्यूज है थोड़ा बहुत आ रहा है अभी, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे तो व्यूज नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा था। और जो टेक्निक मैं अप्लाई किया उसी को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो से शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए अभी शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले मैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड जो इसको ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है। यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको एनालिटिक्स में आना है, ठीक है। आप देख पाएंगे आपका YouTube स्टूडियो जैसे ओपन हो जाएगा आपका नीचे दिखाई, मतलब आप देख पाएंगे कि ये डैशबोर्ड कंटेंट एनालिटिक्स एंड कमेंट्स मोनेटाइज, ये 5 ऑप्शन दिखने वाला है। पर आपको करना क्या है, बीच वाला ऑप्शन जो लिखा हुआ है एनालिटिक्स वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनालिटिक्स में जैसे क्लिक करेंगे आपको क्लिक करने के बाद ऊपर भी 3 ऑप्शन दिखने को मिलेगा, वहाँ पर एक ओवरव्यू, एक कंटेंट, एक ऑडियंस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ऑडियंस पे क्लिक करना है। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आपका यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, ग्राफ कुछ दिखा रहा है यहाँ पे रिटर्निंग व्यूअर्स और न्यू व्यूअर्स, ठीक है। आपका देखिए मेरा रिटर्निंग व्यूअर्स से ज्यादा न्यू व्यूअर्स है। रिटर्निंग व्यूअर्स कौन है, मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं या तो फिर वो लोग देख रहे हैं, वो लोग जो आ रहे हैं मेरे चैनल पे रिटर्निंग व्यूअर्स में काउंट हो रहे हैं, राइट। न्यू व्यूअर्स जो लोग हैं वो कभी सब्सक्राइब नहीं किए, बाकी उन्होंने देख लिया वीडियो खत्म हो गया वो चल दिए, ठीक है। आपको उसके नीचे बिल्कुल नीचे दिखे वन ईयर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं, ये चीजें ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो व्यूअर है ये यूट्यूब पे कब एक्टिव रहते हैं। देखिए मान के चलिए आप कहीं पे जा रहे हैं, तो अगर आपको पता चल जाए कि वहां पे उतना भीड़ होगा तो आप उसी हिसाब से जाएंगे ना, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह यूट्यूब आपको एक आइडिया दे देता है कि आपका व्यूअर्स कब एक्टिव रहता है। आप नहीं जान पाते, मैं नहीं जान पा रहा हूँ, तो कैसे आपको पता लगेगा। तो आपको करना क्या, सिंपली आपको जिस तरह मैंने तरीका बताया जैसे डैशबोर्ड पे आना है, आपको यूट्यूब स्टूडियो पे आना है, स्टूडियो पे आने के बाद एनालिटिक्स में आना है। एनालिटिक्स में आने के बाद आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखेगा, ओवरव्यू, कंटेंट एंड ऑडियंस। आपको ऑडियंस पे क्लिक करना है। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, उसके बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन आ रहा है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है योर लोकल टाइम जो भी है लास्ट 28 डेज, यानी कि आपका 28 डेज में आपका व्यूअर्स किस टाइम पे यूट्यूब पे आते हैं देखने के लिए वीडियो वगैरह जो भी है, यूट्यूब ब्राउज फीचर, यूट्यूब को कब वो लोग ब्राउज करते हैं, राइट। तो आपको कैसे पता चला कि आपको इस रिपोर्ट से पता चला, देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे संडे का दिन आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक कोई मतलब एक्टिव नहीं रहता है मोस्टली, बाकी दिनों में भी यही सीन है। और आप देख सकते हैं कि कब एक्टिव रहते हैं कि शाम को 6 बजे से सुबह 6 के बीच, जैसे कि यहाँ पे 5:59 PM टू 5:59 AM तक जो है मेरा व्यूअर्स जो एक्टिव रहते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे और एक चीज़ दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे कि ज़्यादा डार्क है, जैसे कि ये वाला जो है, ये जो फील्ड है ये ज़्यादा डार्क है, आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए, जैसे 5:59 PM के ऊपर आप देखिए 11:59 जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है,
तो आप देखिए 12 से 1 घंटा पहले यानी कि फ्राइडे का दिन जो है 11 बजे करीब करीब आप देख सकते हैं ये सारे कुछ 6 घंटा की काउंट्स है, यानी कि ये चार पार्ट में दिया हुआ है तो ये 24 आवर्स हो गया राइट। तो आप देख सकते हैं ये जो 12 से पहले उसका जो पहले वाला लाइन है, 12 से पहले वाला लाइन जो है आप देख सकते हैं फ्राइडे को यहाँ पे ज़्यादा डीप करके पर्पल कलर आ रहा है। तो आप इसका नीचे देख सकते हैं फ्यू व्यूअर्स यानी कि मेनी व्यूअर्स यहाँ पे ये कलर के हिसाब से आपको दिखाएगा। अभी देखिए इसको मैं थोड़ा अभी देखिए ये जैसे थोड़ा मतलब लाइट दिख रहा है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत व्यूअर्स होते हैं उस टाइम पे, और थोड़ा लाइट दिख रहा है तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत व्यूअर्स होते हैं। ज़्यादा व्यूअर्स कब होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पर्पल कलर आपको दिख रहा है और जिस टाइम जोन पे दिख रहा है और जिस डेट को दिख रहा है जिस डे में दिख रहा है उस टाइम पे आपको वीडियो अपना वीडियो जो है आप उसी हिसाब से अपलोड करने के लिए आप शेड्यूल बनाओ कि उसी हिसाब से आप उसी टाइम पे बिल्कुल सेम टाइम पे आप अपलोड करोगे तभी आपका व्यूअर्स का सेम टाइम जो है वो आपको यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है या तो ब्राउज फीचर में वो चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपका वीडियो आराम से देखेंगे और आपका जो इसके थ्रू आपका चैनल पे आपका वीडियो पे व्यूज बढ़ने का ज़्यादा चांसेस है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि इस तरह इंटरटेनमेंट वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। मैं संतोष मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।